तुम तो पाकिस्तानी हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो, तुम तो हमसे नफरत करते हो। यार मैंने भी यही सुना है कि इंडिया वाले पाकिस्तान से नफरत करते हैं, लेकिन मैं कितने सालों से परदेश में रहा हूँ, मेरे कितने दोस्त इंडियन हैं, मैंने तो कभी किसी को नहीं देखा कि कोई मुझसे नफरत कर रहा है, ना मैंने कभी किसी से नफरत की है। ये ऐसी बातें हमारे दोनों कंट्रियों के लोगों के दिमाग में कौन डालती हैं? ये सारे पॉलिटिशियन हैं, ये सारे बड़े बड़े नेता हैं जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए हम लोगों के दिलों की नफरत डाल दें। यार जैसा तू इंसान है देख मेरी तरफ, मैं भी वैसा ही हूँ, मेरे भी वही हाथ है, वही आँख, वही कान, सब कुछ हम है। यार क्या फ़र्क है, क्या कि आप अलग हो गए और हम इधर आ गए? मुझे ये समझ नहीं आती हम दोनों कंट्री, आप 15 अगस्त, हम 14 अगस्त किस खुशी में मनाते हैं? क्या गोरों से आज़ादी की खुशी मनाते हैं, कि या फिर हम अपने जो दोनों कंट्रियों के दुश्मनी स्टार्ट हो गई थी पहला दिन वो मनाते हैं हम? ये क्या मनाते हैं हम, गोरों से आज़ादी खुशी मनाते हैं कि या हम अपनी दुश्मनी के शुरुआत का दिन मनाते हैं? ये कौन सा दिन मनाते हैं हम यार? इसी अच्छा था को हम उनके साथ ही रहते, गोरे हम के ऊपर गोरे ही राज करते, क्योंकि अलग हो तो हम दोनों के दुश्मन बन गए एक दूसरे के, हम दोनों के दुश्मन बन गए। क्यों ऐसा हो गया यार? ये पॉलिटिशियन के लोगों, ये नेता को बड़े बड़े लोगों के, ये इनकी खुद के बच्चे तो बड़े बड़े कंट्रियों में जाके बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करती हैं, और बॉर्डर पर कौन शहीद होते हैं, बॉर्डर पर कौन मरते हैं? हम गरीबों के। यार जो इंडिया की माँ है वही पाकिस्तान की माँ है, जो इंडिया की बहन है वही पाकिस्तान की बहन है। जब इंडिया के बच्चे यतीम आते हैं तो पाकिस्तान के बच्चे यतीम होते हैं। हम दोनों ने इतने दोनों कंट्रियों ने इतने सालों में ये झगड़ा नफरतें करके क्या ले लिया, क्या ले लिया? ये फकत ये कितने बेवा रो रही हैं, कितनी माएँ उनके लाल चले गए, कितने बच्चे यतीम हो गए। यार ये नेता लोगों को चाहिए, ये नेता लोगों को चाहिए कभी जाके उस यतीम की आंखों में पड़ें, जो इंडिया का यतीम है वो होली के दिन खड़ा होके, जो पाकिस्तान का यतीम है वो ईद के दिन खड़ा होके दरवाजे पे खड़ा होके क्या इंतज़ार करता है? काश मेरा भी बाबा होता, काश आज मेरे पास भी मेरा बाबा होता, काश वो भी मुझे प्यार देता। यार ये नफ़रतों को ख़त्म करना चाहिए। क्यों हम लोग क्या ले लिया हमने इतने सालों में, ये नफ़रतें बांट के क्या ले लिया हमने, क्या कर लिया? यार ये ख़त्म करनी चाहिए, इन नेता लोगों को चाहिए कि हम लोगों के दिलों में नफरतें ना फैलाएं। यार काश के वो दिन आए, काश के वो दिन आए कि कभी पाकिस्तानी नेता ये ना सोचें कि इंडिया के नेता ने ये इतने मार करने वाला मिसाइल बना लिया, और इंडिया के नेता ये ना सोचें कि पाकिस्तान इतने मार करने वाला मिसाइल बना लिया, हम उससे ज़्यादा बनाएं। काश के वो दिन आए कि ये लोग सोचें, इंडिया ने 1 लाख लोगों को गुरबत से निकाल लिया, हम पाकिस्तानी 2 लाख लोगों को निकालेंगे, और इंडिया के नेता के दिलों में ये बात आए कि पाकिस्तानों ने 2 लाख लोगों को निकाले गुरबत से, हम 3 लाख लोगों को निकालें। कब ये नेता सोचेंगे कि हम आवाम को कब तक ये मारेंगे, कब तक मारेंगे? यार हम नहीं सोचते कि इंडिया के लोग ऐसे हैं, और इंडिया वाले भी नहीं सोचते। ये सिर्फ जो बड़े बड़े नेता हैं सिर्फ अपनी वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए हम लोगों के दिलों में नफरत डालते हैं। मैं कितने सालों से प्रदेशों में रह रहा हूँ, मेरे तो कोई दुश्मन नहीं है इंडियन, मैंने तो कभी दिन ही देखा कि मेरा कोई इंडियन दुश्मन है, और ना मैंने कभी किसी को इंडियन को अपना दुश्मन समझा, ना मैंने कभी किसी को इंडियन को बुरा बोला, ना मैं कभी इंडियन को बुरा बोलता हूँ। यार हम दोनों कंट्रियाँ एक ही थे, अलग होने के बाद हम क्यों नफरतें पैदा कर गए, क्यों आपस में हम नफरत में बांट गए? यार इन नेताओं लोगों को कौन समझाए कि जब कोई बच्चा यतीम होता है क्या उसके दिल पे बीजती है, जब किसी बहन का भाई चला जाता है उसके दिल पे क्या बीतती है? यार क्यों हम ये बॉर्डरों के ऊपर गन्नों की गोलियों की बर्दाश्तों के अलावा क्यों हम फूलों की बरसात ना करें? यार क्यों, कब वो दिन आएगा? यार कब वो दिन आएगा? यार मुझे ये समझ नहीं आती हम दोनों मुल्क, दोनों कंट्री इतने सालों से किस लिए लड़ रहे हैं? यार किस लिए लड़ रहे हैं? ज़मीन के टुकड़े के लिए, ज़मीन का टुकड़ा वहीं का वहीं है। क्या दे गया ज़मीन का टुकड़ा हमें, क्या मिल गया हमें? किस की लड़ाई हम लड़ रहे हैं? यार मज़लूमों की लड़ाई रह रहे हैं, रिलीजन की लड़ाई रह रहे हैं। यार चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई भी रिलीजन हो, यार सिख हो, सबका मज़हब तो सबसे पहले क्या सबक देता है कि इंसान हो, इंसानी से प्यार करो। झंडी अलग हुई तो क्या हुआ, दिल तो एक है। आओ नफरतें ख़त्म करें, आओ ख़त्म करें झगड़े, मिलाओ हाथ दोस्त, आगे बढ़ें।